हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं CNMG का जो इंसर्ट रहता है उसके बारे में, कि कौन सी इंसर्ट जो है कि किस जॉब में हमें काम आने वाली है। तो इसमें दो तरह की आप देख रहे हैं, इसमें दो तरह की जो है कि इंसर्ट है, ठीक है। ये मैंने कल ही मंगवाया है, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ और आप लोग को बता भी दूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखी हुई है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें गाइस दो तरह की जो है कि इंसर्ट दी गई है। कि इंसर्ट जो है हाइड्रोकार्बन का रहता है गाइस, हाइड्रोकार्बन का मटेरियल का बना होता है। इससे गाइस जो कि SS का रॉड है वो भी इससे कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें गाइस दो तरह की इंसर्ट है। तो वो कौन कौन सी इंसर्ट है, चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं, और कौन सी इंसर्ट किस जॉब में काम आने वाली है वो भी हम इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले गाइस, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जो है दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये सब अलग अलग पिट है। तो इसकी मैं आपको जो है कि नोक दिखा देता हूँ गाइस, ध्यान से देखिए आप। इसकी नोक जो देख रहे हैं आप, इसकी पतली है नोक, ठीक है। और दूसरी की नोक आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जो भी नोक इसकी बनाई जाती है गाइस, वो अलग अलग जॉब के तरीके से हिसाब से बनाई जाती है। और इसकी नोक देखिए गाइस, इसकी नोक जो है मोटी है ना। और इसकी हमने दिखाई थी आपको, ये देखिए इसकी नोक जो है पतली है। अब दोनों को मैं सेम करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए गाइस, जो पीछे वाली है गाइस, वो उसकी नोक जो है पतली है, और आगे वाली जो इंसर्ट है उसकी जो गोलाई की गई है वो मोटी है, पीछे वाले की पतली है। डिफरेंट आपको पता चल रहा होगा गाइस। तो गाइस ये दोनों ही जो है इंसर्ट है जो कि अलग अलग है। तो हालांकि मटेरियल जो सेम है गाइस, लेकिन खाली इसकी जो शेप दी गई है, शेप में थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जो आगे वाली है वो थोड़ा गोलाई में मोटी गोलाई दी गई है, और जो पीछे वाली है वो थोड़ी सी पतली गोलाई दी गई है। तो ये पतली और मोटी गोलाई जो है किस काम के लिए आएगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो ये जो गाइस जो इंसर्ट है जिसमें पतली गोलाई दी गई है, ये हमें जो है कि साइज बनाने के लिए रहती है। जैसे कोई वी शेप, जैसे ये वी शेप है, ठीक है गाइस, ये वी शेप बना हुआ है। तो यहाँ पे जो अभी ये है, जो मोटी गोलाई तो इसमें घुसेगी नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे अगर मोटी गोलाई घुसेगी तो वहाँ पे मोटा मतलब कि गोलाई हो जाएगी। इसलिए उसको पतली गोलाई रखने के लिए हमें ये जो इंसर्ट है ये यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी गोलाई जो है आगे से पतली है, ठीक है गाइस। ये हमें जो कि साइज बनाने के लिए, जो फाइनल साइज बनाया जाता है, ये उसके लिए प्रॉपर है, अच्छा है। तो दूसरी जो है, ये जो है ये हमें रफ़ यूज करने के लिए, जैसे कि मैंने फेस उतारना हो, फेस उतार सकते हैं, इसे टर्निंग कर सकते हैं। टर्निंग भी बहुत ही स्मूथली टर्निंग होता है गाइस, फिनिशिंग तो इतनी अच्छी आती है गाइस कि आप देखोगे तो, फिनिशिंग देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, इस टूल का कुछ तो बेनिफिट है। क्योंकि मैं इसको 2 साल से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने 2 साल से ही मंगवाया है। हालांकि मैं यूज़ तो इसको काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है कि मैंने 2 साल से ही इस टूल को यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो पहले जहाँ मैं काम करता था गाइस, वहाँ पे तो ये सब टूल आते रहते थे। तो गाइस ये दोनों ही बहुत ही बेनिफिट के टूल्स है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका होल्डर भी मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में। अगर आप नहीं देखी है तो वीडियो, उसको आप विजिट करके आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइस कि आपको मेरी दी गई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। मन में कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है दबा लें, ताकि आने वाली नई से नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय।